गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज आर न्यू फार्माकोलॉजी क्लास इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनरल एनेस्थेटिक्स। CNS पर एक्ट करने वाली ड्रग्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिया, सिडेटिव हिप्नोटिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन को एनेस्थीसिया पढ़ना है। एनेस्थीसिया दो तरह का होता है, जनरल और लोकल। सबसे पहले अपन जनरल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि कॉन्शियसनेस लॉस को रिवर्सिबली कॉन्शियसनेस को रिवर्सिबल लॉस कर देती है, और सेंसेशन को लॉस कर देती है, सेंसेशन और कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर देती है, मतलब बेहोशी लाने वाली दवाएं। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले एनेस्थीसिया क्या है। एन का मतलब विदाउट और एस्थेसिस का मतलब सेंसेशन, मतलब विदाउट सेंसेशन, जब आप में सेंसेशन नहीं रहता है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि रिवर्सिबल लॉस कर देती है सभी तरह के सेंसियसनेस और कॉन्शियसनेस का हमारी बॉडी के अंदर, सभी सेंसेशन संवेदनाओं को, सभी होशो हवास को, कॉन्शियसनेस को ये ख़त्म कर देती है। जनरली ये एडमिनिस्टर करते हैं अपन, कौन एडमिनिस्टर करता है, एनेस्थोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि आज मैं चाहूँ आप चाहें कि अपन इसको एनेस्थीसिया दे दें और अपन दे दें, नहीं, अपन नहीं दे सकते। केवल एनेस्थोलॉजिस्ट ही एनेस्थीसिया जो है वो इंड्यूस कर सकता है, स्पेशली जनरल एनेस्थीसिया, टू इंड्यूस और मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया टू फैसिलिटेट सर्जरी। सर्जरी करवाने के लिए एनेस्थीसिया को, जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन और इंड्यूस करवाने के लिए एनेस्थेसोलॉजिस्ट ही एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब कार्डिनल फीचर्स क्या हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के। सभी सेंसेशन स्पेशली पेन इसे ख़त्म हो जाता है, नींद आने लगती है, स्लिप और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, एमनेशिया हो जाता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो रुक जाते हैं, इमोबिलिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, वो मोबाइल नहीं रह पाती, और मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। इसकी स्टेजेस क्या हैं जनरल एनेस्थीसिया की। स्टेज वन में एनाल्जीसिया जो है वो एनाल्जीसिया एक्चुअली स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया जैसे ही शुरू देंगे वहाँ से एनाल्जीसिया स्टार्ट हो रहा है, एनेस्थीसिया देते ही, और कॉन्शियसनेस जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती तब तक ये अपना असर दिखाता है। इसमें नींद ख्वाबों की दुनिया में पर्सन चला जाता है, स्टेट रिफ्लेक्सेस रेस्पायरेशन रिमेन्स नॉर्मल, ये सब चीज़ें इसमें नॉर्मल रहती हैं, बाकी वो ख्वाबों की दुनिया में इंसान चला जाता है। ये होती है स्टेज वन जिसमें एनाल्जीसिया देखने को मिलता है। दूसरी स्टेज टू जो स्टेज ऑफ डेलीरियम कहलाती है, इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से ये स्टेज स्टार्ट हो रही है, इरेग्युलर रेस्पायरेशन को ये शुरू कर देती है, इतने ये लंबी चली जाती है कि इरेग्युलर रेस्पायरेशन हो जाता है। एपरेंट एक्साइटमेंट भी इसके अंदर देखने को मिलता है, मसल टोन बढ़ जाती है, जॉज जो है वो टाइटली क्लोज, जिसको कहते हैं जबड़े जुड़ जाना, जॉज आर टाइटली क्लोज, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टेज के अंदर। स्टेज थर्ड जिसको सर्जिकल एनेस्थीसिया कहते हैं, ये इरेग्युलर रेस्पायरेशन के साथ में शुरू होता है, वहाँ से लंबा चलता है, तब तक सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, जब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अपने आप चलने वाली ब्रीदिंग जब सीज नहीं होती तब तक ये कंडीशन चलती है। इसके भी फिर स्टेज थर्ड की चार फेज होती है। फेज वन जिसमें दिस प्लेन एंड्स व्हेन आईज बिकम फिक्स्ड, इस स्टेज में आईज एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। प्लेन टू के अंदर कॉर्निया रेलेंजियल लैरेंजियल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, कॉर्निया और लैरिंग्स के आपके रिफ्लेक्सेस वो भी ख़त्म हो जाते हैं। प्लेन थ्री के अंदर जो है वो प्यूपल जो है वो डायलेट करना स्टार्ट करती हैं और लाइट रिफ्लेक्स आती है। प्लेन फोर्थ के अंदर डायलेटेड प्यूपल जो है, प्यूपल एकदम डायलेट हो चुकी है, मसल टोन एकदम कम हो जाती है और बीपी एकदम कम हो जाता है। स्टेज फोर्थ को मेड्यूलरी पैरालिसिस कहते हैं, इसमें रेस्पायरेटरी और वैसोमोटर कंट्रोल जो है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है। तो ये चार स्टेजेस होती हैं जनरल एनेस्थीसिया की। इन चार स्टेजेस के अंदर जनरल एनेस्थीसिया जो है अपना काम कर रहा होता है। पहली स्टेज में क्या बोला, एनाल्जीसिया की स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट जो है कॉन्शियस है पर ड्रॉजी है। स्टेज टू एक्साइटमेंट की है जिसमें कॉन्शियसनेस ख़त्म हो रहा है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, पेशेंट एक्साइटमेंट में आ जाता है और कई बार शाउट भी करने लग रहा होता है।
स्टेज थ्री के अंदर जो है सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसमें रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस जो है वो वापस वो धीरे धीरे लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। स्टेज फोर्थ मेडुलरी पैरालिसिस है, जिसमें रेस्पिरेशन और VMC वेसो मोटर कंट्रोल जो है वो डिप्रेस हो जाता है। डेथ भी हो सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर अगर अपन ने इसको ठीक नहीं किया तो ये स्टेजेस अपन ने इसकी पढ़ी हैं। अब इसके बाद अपन आगे जनरल एनेस्थीसिया को डिटेल में पढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं भाई जनरल और लोकल एनेस्थीसिया में। जनरल एनेस्थीसिया CNS पर एक्ट करता है, जबकि लोकल पेरिफेरल नर्व पे, जहाँ पर देना है वहीं पर ही अपना असर दिखाएगा। जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को कवर करता है, जबकि लोकल सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही रहता है। कॉन्शियसनेस जनरल एनेस्थीसिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जबकि लोकल में अनऑल्टर्ड कुछ जगह तक है, कुछ पे ख़त्म हो गई है। मेजर सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, पर कभी भी लोकल एनेस्थीसिया मेजर सर्जरी नहीं करते, माइनर सर्जरी करते हैं। माइनर में जनरल नहीं देते और मेजर में लोकल नहीं देते सर्जरी में। पुअर हेल्थ पेशेंट में जनरल एनेस्थीसिया काफ़ी रिस्की होता है, जबकि लोकल एनेस्थीसिया ऐसे लोगों में ठीक रहता है, अपन दे सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थीसिया दो तरह के होते हैं, इन्हेलेशन के थ्रू देने वाला और इंट्रावीनस रूट से देने वाला। इन्हेलेशन सांस के साथ दी जाती है, जैसे गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड हो गई एग्जांपल, और दूसरी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर हेलोथेन डेसफ्लोरेन सीओफ्लोरेन आइसोफ्लोरेन और एनफ्लोरेन आती हैं। इंट्रावीनस के अंदर इंट्रावीनस जिसमें अपन पेरेंट्रल रूट कह रहे हैं, वैसे तो एक्चुअली इसमें इंड्यूसिंग ड्रग्स और स्लो एक्टिंग ड्रग्स दो तरह की आती हैं, या अपन सीधा पढ़ें तो थायोपेंटोन सोडियम इथोमाइडेट कैटामाइन प्रोपाफोल मिथोहेक्सिटोन सोडियम, ये सारी इसके अंदर आ रही होती हैं ड्रग्स। अगर अपन इसको मैंने कहा इंड्यूसिंग और स्लो एक्टिंग ड्रग में क्लासिफाई करें, तो इंड्यूसिंग में प्रोपाफोल इथोमाइडेट और थायोपेंटोन आती हैं, जबकि स्लो एक्टिंग के अंदर बेंजोडाइजापिन डाइजापाम एरोजेपाम माइडाजोलाम जो अपन ने अभी पहले पढ़ी थी पिछले क्लास के अंदर, इसके अलावा कीटामाइन आती है और ओपियोइड्स आते हैं जैसे फेंटेनाइल वगैरह। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जनरल एनेस्थीसिया का, ये गाबा ए रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं, NMDA रिसेप्टर पे, ग्लाइसिन रिसेप्टर पे एक्ट करती है। गाबा ए रिसेप्टर पर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, हेलोथेन प्रोपाफोल एटोमिडेट एनफ्लोरेन आइसोफ्लोरेन डेसफ्लोरेन सीओफ्लोरेन। NMDA रिसेप्टर के ऊपर NMDA रिसेप्टर को ये एक्चुअली इनहिबिट कर देती, गाबा को तो इसने पोटेंशिएट किया था और NMDA को इनहिबिट कर देती है, जैसे कैटामाइन नाइट्रस ऑक्साइड ग्जिनॉन वगैरह। ग्लाइसिन रिसेप्टर को भी ये पोटेंशिएट करती है, हेलोथेन प्रोपाफोल एनफ्लोरेन आइसोफ्लोरेन डेसफ्लोरेन सीओफ्लोरेन। ऑल्सो हैज इफेक्ट ऑन न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर, न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर के ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखाती हैं। अब सबसे पहले इन्हेलेशनल जनरल एनेस्थीसिया अपन पढ़ रहे हैं। इन्हेलेशनल एनेस्थीसिया जो है रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ गैसेस और वेपर्स, इसमें अपन गैस या भाप दे रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ताकि वह एनेस्थीसिया का इफेक्ट दिखा सके। इसके अंदर अपन सबसे पहले जो ड्रग पढ़ रहे हैं वो है ईथर। ईथर एक एक्सप्लोसिव है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इरिटेंट होता है, नोजिया वॉमिटिंग के हाई इंसिडेंस देखने को मिलते हैं इंडक्शन के दौरान या पोस्ट सर्जिकल एमरजेंस के दौरान। दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड जो कि कलरलेस रंगहीन गंधहीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, यह ब्लड में इनसॉल्युबल होती है और अदर टिश्यूज़ में भी इनसॉल्युबल होती है, इसलिए इसकी क्विक रिकवरी हो सकती है। ये एनेस्थीसिया के रैपिड इंडक्शन एनेस्थीसिया करता है, रैपिड एमरजेंस करता है, डिसकंटिन्यूएशन अगर अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर दें तो इसमें रैपिड एमरजेंस भी देखने को मिलता है, तो ये सेफ भी है। ये लंग्स के थ्रू पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, ये वीक एनेस्थेटिक है पर पावरफुल एनाल्जेसिक ड्रग है। इसकी मैक वैल्यू 105% होती है। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया इसकी वजह से हो सकता है, जो इसका साइड इफेक्ट है, और दूसरे इन्हेलेशनल्स के साथ में सप्लीमेंट के रूप में या एडजुवेंट के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हेलोथेन। हेलोथेन एक वोलेटाइल वाष्पशील लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, का मतलब छोड़ देंगे तो ये थोड़े समय में उड़ जाएगा। ये लाइट सेंसिटिव है,
फैट सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका स्लो इंडक्शन है और रिकवरी है। ये बिना चेंज हुए लंग्स के थ्रू एलिमिनेट भी हो सकता है। कॉमनली बच्चों में दिया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव प्लेसमेंट के दौरान। आईवी कैथेटर अगर अपन को डिफ़िकल्ट है तो प्री ऑपरेटिव में अपन ये पहले अपन बच्चों को ये दे सकते हैं। बच्चे ऐसे लगाते हैं ना कैथेटर, तो अगर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पहले अपन हेलोफेन नाम की ड्रग दे सकते हैं। पोस्ट नहीं, सॉरी, प्री ऑपरेटिव कंडीशन में अपन ये यूज़ लेते हैं। इसको अपन अम्बर कलर की बॉटल के अंदर, आपने कई बॉटल्स देखे ना भूरे भूरे रंग की बॉटल्स होती हैं, वो अम्बर बॉटल्स कहलाती हैं, उनके अंदर ही अपन इसको दे सकते हैं थाइमोल ऐड करके। थाइमोल इसका प्रिजर्वेटिव होता है, ये लिवर में मेटाबोलाइज्ड होती है। साइड इफ़ेक्ट क्या हैं सीवीएस के ऊपर? ये कार्डियक एरिदमिया कॉज कर देती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को ये कम कर देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन कम कर देगी, मसल में ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कर देती है भाई, टेम्परेचर को बढ़ा देगी, लगातार जो बढ़ता रहता है टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन आ जाती है। किडनी के अंदर रिनल फ्लो को, रिनल में ब्लड फ्लो को ये कम कर देती है, और जीएफआर को भी, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी ये कम कर देती है। लीवर और जीआईटी के अंदर ये हिपेटाइटिस और नोजिया वॉमिटिंग कर देती है, लीवर में हिपेटाइटिस और जीआईटी में नोजिया वॉमिटिंग। ड्रग इंटरेक्शन हेलोथन एड्रिनालिन के साथ में दी जा सकती है, थियोफाइलिन के साथ। ये एरिदमिया जो है मे बी प्रेसिपिटेटेड, तो एरिदमिया को प्रेसिपिटेट करने काम आती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हिपेटिक डिसफंक्शन किसी पर्सन में है या जॉन्डिस है तो ये दवाई नहीं देनी चाहिए, या एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। दूसरी आ रही है सीवोफ्लोरेन, इसकी काफ़ी प्लीजेंट स्मेल होती है, काफ़ी अच्छी लगती है इसको, आप देखोगे तो सूंघने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। नॉन इरिटेंट होती है और ब्रोंको डायलेशन कर देती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी बच्चों के अंदर देने के लिए काफ़ी अच्छी ड्रग ये मानी जाती है। पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकंड एजेंट ऑफ चॉइस है ये न्यूरो एनेस्थीसिया के रूप में, सेकंड अपन इसी को चूज़ करते हैं। कार्डियक एनेस्थीसिया में एस्थमेटिक पेशेंट के लिए सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। सीवोफ्लोरेन जो है वो सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट करती है, तो एनेस्थेटिक सर्किट में इसको काम में लेते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड ए बनाती है जो कि रिनल टॉक्सिन या नेफ्रोटॉक्सिक का भी काम कर रही होती है, अगर ये ऐसे दी जाए तो। एजेंट्स को हमारे को सोडा लाइम के साथ नहीं देना चाहिए, कौन कौन से, क्योंकि ये सोडा लाइम के साथ तो हमने कहा ना कि भाई रिनल टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी, नेफ्रोटॉक्सिक हो जाती है, तो सोडा लाइम के साथ कौन कौन से एजेंट्स इसके नहीं दे सकते? ट्रायलिन नहीं दे सकते, सीवोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन ऐसी एजेंट्स हैं जो कभी भी अपने को सोडा लाइम के साथ में नहीं देने चाहिए, नहीं तो ये रिएक्ट करके नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे। अब मेज़रमेंट क्या है इन्हेलेशन एनेस्थेटिक पोटेंसी का? भाई अपन को मेज़र करके देना पड़ता है ना, तो मिनिमम एल्वियोलर कॉन्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन जो है इसकी अपने को देखनी है। MSEs इज द कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ सब्जेक्ट्स हैव नो रिस्पॉन्स। MSE वो कंसंट्रेशन है जिसपे 50% तो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं देते। टू सर्जिकल स्टिमुलस, सर्जिकल स्टिमुलस जैसे स्किन इनसीजन के अंदर अगर अपन दे रहे होते हैं तो उसमें 50% तो अगर अपन सूंघा करके ये ड्रग दे रहे तो कोई खास असर होता ही नहीं। डिफरेंट फॉर ईच इनहेल्ड एजेंट, उसके अलावा जो जो एजेंट इनहेल्ड एजेंट अपन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी चेंज होती रहेगी। MAC बढ़ जाती है, इंक्रीज MAC, अगर MAC बढ़ी हुई है तो ये क्या होएगा, इसकी वजह से हाइपरथर्मिया, हाइपरनेट्रीमिया। ड्रग CNS को एलिवेट कर देती है, कैटिकोलामाइन स्टोर्स को, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़ और इंक्रीज इन एम्बिएंट प्रेशर, एम्बिएंट प्रेशर के अंदर ये दी जाती है। MAC इसमें बढ़ जाती है एक्चुअली इन सारी कंडीशंस में। MAC डिक्रीज किन किन कंडीशंस के अंदर होती है? हाइपोथर्मिया, वही जो वहाँ पर पड़े थे उसके जस्ट अपोजिट यहाँ आ जाएंगे, हाइपोथर्मिया, हाइपोनेट्रीमिया। इंक्रीज एज के साथ में MAC कम हो जाती है, हाइपोटेंशन के अंदर कम हो जाती है, एनीमिया में कम हो जाती है, और सीनियस डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ में। और MAC में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, सेक्स के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता, वेट के अकॉर्डिंग नहीं आता, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग नहीं आता कि किस तरह का स्टिमुलस है, एनेस्थीसिया कितने लंबे समय तक असर दिखा रहा है, या हाइपो या हाइपरकैलीमिया, इस पर कोई असर नहीं डालता MAC पर। अब दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स के, पहला फैट में सॉल्युबिलिटी और दूसरा ब्लड में सॉल्युबिलिटी। फैट में सॉल्युबिलिटी जैसे ऑयल, गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, और ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या है? ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इन्हेलेशनल
जनरल एनेस्थीसिया के। बस ये बाकी इसमें ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कितने अमाउंट ऑफ गैस जो है वो ऑयल फेज में सॉल्युबल वगैरह, ये अपने को नहीं देखना, ये फार्मा के लोगों के लिए काम की होती है, अपने काम की नहीं चीज़ें। दूसरी आ रही है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जिसमें थायोपेंटल अपन काम में लेते हैं। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट है, इसकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, इसलिए रैपिडली ब्रेन में एंटर हो जाती है। रैपिड ऑनसेट 20 सेकंड में ये अपना असर दिखाएगी, पर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इफेक्ट इसका टर्मिनेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म से नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसका, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक बार घुसेगी और फिर वापस तेज़ी से निकल जाएगी, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। पर ये सीवियर वैसोस्पाज़म कॉज कर देती है, अगर हम इसको आर्टरी में एक्सीडेंटली दे देते हैं तो सीवियर वैसोस्पाज़म कॉज करेगी। सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिप्रेस कर देती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देती है, टिश्यू नेक्रोसिस जैसे गैंग्रीन करवा देगी, टिश्यू में स्टोर हो जाती है, हाइपोटेंशन कॉज कर देती है, और एपनिया सांस लेने में दिक्कत आएगी। एडिपोज टिश्यू में बिल्डअप होती है, वेरी लॉन्ग एमरजेंस है एनेस्थीसिया से, वेरी लॉन्ग एमरजेंस ये दिखाती है। प्रोपोफोल देखिए, रैपिड ऑनसेट है इसका, तेज़ी से अपना असर दिखाएगी, पर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हाई प्रोटीन बाउंड है इन बॉडी के अंदर इसका, कॉन्जुगेशन के द्वारा लीवर में मेटाबोलाइज्ड होती है, बहुत अच्छी एनेस्थेटिक है ये, इस ये बॉडी में इकट्ठी भी नहीं होती। साइड इफेक्ट अगर इसका होता है तो इंजेक्शन के दौरान थोड़ा पेन हो रहा होता है, बीपी कम हो जाता है, और ट्रांजिएंट एपनिया देखने को मिल रहा होता है। इंडक्शन के लिए अपन काम में ले सकते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए और सिडेशन के लिए रूप में अपन इसको काम में ले सकते हैं। डे केस की जो सर्जरी है उसके अंदर ये काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है। नेक्स्ट है कीटामाइन, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक है ये, NMDA रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है, कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेंट के रूप में काम में लेते हैं। बस इतना बहुत है, बिना कॉन्शियसनेस गंवाई एनल्जीसिया एमनेसिया वगैरह के रूप में काम में ली जाती है। एटोमाइडेट जो ड्रग है वो रैपिड इंडक्शन दिखाती है, मिनिमल चेंज करती है कार्डियक फंक्शन के अंदर और रेस्पिरेटरी रेट के अंदर, ज़्यादा चेंज ये नहीं करती। एनल जिसे कि ये नहीं है, इसकी वजह से इंजेक्शन के दौरान ये पेन कॉज करती है और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन नोजिया हो जाता है इसकी वजह से। लंबे समय तक अगर आप इसको देते रहोगे तो एडिनल सप्रेशन ये कॉज करेगी। बस इसके साथ ही आपका ये जनरल एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं इसको ख़त्म करने से पहले कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी अपन कुछ जो हैं वो दे रहे होते हैं, जो कि यूज़फुल होती है। इट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स टू मेक द एनेस्थीसिया मोर प्लीजेंट एंड सेफ। वे अपन ने कई पढ़ा ना कि कुछ एनेस्थीसिया कई बार नुकसान भी कर देते, दर्द वगैरह भी कर देते हैं, तो एनेस्थीसिया दर्द नहीं करें, प्लीजेंट और सेफ रहें, उसके लिए अपन कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का भी काम में ले रहे होते हैं। ये मेडिकेशंस एंग्जाइटी को कम करती है, सलाइवरी सिक्रीशन को कम करती है, वेगल ब्रैडीकार्डिया को कम करती है एनेस्थीसिया से होने वाले, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के दवाइयाँ कुछ काम आ रही होती हैं, एंटी एमेटिक इफेक्ट के लिए काम करती हैं, एसिड का सीक्रीशन कम करती है, स्ट्रेस अल्सर को रोकती हैं, तो इस तरह से कुछ दवाइयाँ भी अपन इसमें दे रहे होते हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोकल एनेस्थेटिक।